अपने हक के लिए तुम्हें रब बुलाते हैं, हम आपसे ये रिक्वेस्ट करते हैं, इनका उन्हें पता है मैं ये सारी सियासत ना मैं इनकी समझता हूँ, ये सिर्फ खौफ ला सकते हैं और कुछ भी नहीं कर सकते, सिर्फ आप हमारे लिए आवाज़ उठाए हमारे दिलों में सुकून आ जाएगा इंशाल्लाह, हमारी ऐसे सिर्फ ये इल्तिजा है। मुझे बहुत दुख हुआ है, मुझे आपके साथ दिली हमदर्दी है और मैं आपको ये बताने आई हूँ कि हमसे जो कुछ होगा, इस वक्त हम हुकूमत में नहीं बैठे, इस वक्त हम अपोजिशन में हैं, जो कुछ भी हम होगा आप हम आपके लिए आवाज़ उठाएंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और जो लोग रेड़ी बान भाई नहीं है उनको मैं बताना चाहती हूँ कि आज हमारी रेड़ी बान भाइयों के साथ बहुत ज़्यादती हुई है, आज जिन लोगों की रोज़ी पे लात मारी गई है ये माशरे के सबसे पिसे हुए लोग हैं, ये अपने बच्चों का पेट पालने के लिए हक हलाल की रोज़ी कमाना चाहते थे, रेड़ियां लगाते हैं बाज़ारों में और कई दिहाइयों से ये बड़ी सहूबतें झेलते हैं, दुकानदार इनसे भत्ते लेते हैं, सीडीए वाले और जो भी इंतज़ामिया होती है इनसे भत्ते लेती है, पुलिस इनको तंग करती है और ये बेचारे अपनी छोटे छोटे ठेले लगाकर और अपने बच्चों के पेट पालने के लिए रोज़ी कमाते हैं, ना इनको लाइसेंस दिए जाते थे ना इनको प्रोटेक्शन दी हिफाजत दी जाती थी, इस्तेसाल इनका बहुत अरसे से होता था, तो इमरान खान साहब ने हमें कहा कि इनके लिए आप एहसास रेडी बान का प्रोग्राम लाएं, इनको रेडियां दें, उसके साथ लाइसेंसेस दें और लाइसेंस के साथ साथ इनको ताकि इनका तहफ़ हो इनकी हिफाजत हो, कोई इनका इस्तेसाल ना कर सके, कोई इनसे भत्ता ना ले सके, कोई बदनवानी का काला कमाओ, और आहिस्ता आहिस्ता हमने रेडियां लगाई G10 में G11 में I10 में F11 में, प्रोग्राम ये था कि आहिस्ता आहिस्ता इस काम को बढ़ाएंगे, मेरी उम्मीद थी कि हुकूमत जो है वो आप लोगों की हालत ज़ार देखकर इस काम को बंद नहीं करेगी, महंगाई है, महंगाई इस वक्त रिकॉर्ड महंगाई है, लोग उसके प्रेशर के नीचे दबे हुए हैं और जो बेचारे अपनी हक हलाल की रोटी यहाँ बैठ के कमाते थे उन्हीं को इस तरह से शिकार बनाया गया है, बदतरीन इस्तेसाल का शिकार बनाया गया है, रात के 3 बजे उनकी रेडियो पे हमला हुआ है, रात के 3 नोटिस की मुझे ये बताया गया कि किसी लीगल नोटिस के बगैर नोटिस के मुझे बताया गया कि किसी नोटिस के बगैर किसी वार्निंग के बगैर उनकी रेडियो पे हमला हुआ है और उनकी रेड़ियाँ जो है पूरी तरह से तबाह हो गई हैं, और रेड़ी के बीच में सामान भी था, बहुत से रेड़ी बान भाई जो हैं और एक दो बहनें जो हैं रेड़ियाँ लगाती हैं वो बताते हैं कि उनको उनकी रेड़ियाँ भी तबाह हुई हैं और उनके सामान का भी कुछ पता नहीं है, ये बड़े मजबूर लोग हैं, कोई गुड़ का शरबत बनाता है, कोई चिप्स बनाता है, कोई किसी ने मोबाइल की छोटी सी दुकान लगाई हुई है, किसी ने फ्रूट लगाया हुआ है, किसी ने सब्ज़ी लगाई हुई है, ऐसे लोगों की रेडियों पर हमला करना जुल्म और इस महंगाई के दौर में जुल्म करना, मुझे तो समझ नहीं आ रही कि ये किस किस्म की पॉलिसी है, ये किस किस्म की हिकमत अमली है, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि CDA या जो भी अमला इसमें इन्वॉल्व है वो फौरन इनसे आके माफ़ी मांगेगा, इनकी जो रेडियो का नुकसान है रेड़ी का भी और उसके सामान का भी वो फौरी उसका मदावा होगा, फौरी इनको कॉम्पेंसेशन होगी और जहाँ भी इनकी रेड़ियाँ कड़ी थी वो वापस लगाई जाएंगी, और मैं ये भी सबको कहना चाहती हूँ कि जो रेड़ियाँ लगी हुई हैं सास रेड़ी बान की जो G10 में लगी हैं, G11 में लगी हुई हैं, जो F11 में लगी हैं, उनको कोई हाथ ना लगाए, तोड़ दी गई है सब, प्रॉपर तोड़ दी गई जिसने भी इन रेडियो को किया, क्योंकि ये रेडियां इन लोगों ने अपनी एहसास प्रोग्राम के तहत तो कुछ लोगों को फ्री दी गई थी, लोगों ने बैंकों के कर्जे लेके ये रेडियां दी थी, हमने सिस्टम ऐसे सेटअप किया था कि बैंक इनको कर्जे दें और वो किस्तें अपनी अदा करें, अभी भी किस्तें बाकी हैं, लोगों की किस्तें भी बाकी हैं, तो
तो बहुत मुझे दुख हुआ है, मेरी हमदर्दियाँ आपके साथ हैं, आपके लिए हर जगह मैं आवाज़ उठाऊंगी। पीर को सेनेट का सेशन है, उसमें भी हम आवाज़ उठाएंगे और जहाँ तक हमारी आवाज़ जा सकती है मैं खान साहब को भी ब्रीफ करूंगी कि आप सबके साथ ये हुआ है, क्योंकि वो ख़ास तौर पे उनकी हमदर्दियाँ आपके साथ होती हैं। जो मर्जी उसका नाम रख लें, लोगों की रोजियों पे तो लात ना मारे ना, लोगों की रोजियों पे तो लात ना मारे, लोगों के चलते हुए काम पर तो लात ना मारे। तो मैं सिर्फ यहाँ आई हूँ आपसे इजहार यकजहती के लिए, आपको हम भूले नहीं हैं, मैं आपकी आवाज़ पहुँचाऊँगी जहाँ तक मैं पहुँचा सकती हूँ, और हुकूमत पर हम पूरा प्रेशर डालेंगे कि वो आपसे आके माफ़ी भी मांगे और जो भी आपका नुकसान हुआ है उसका इजाला करें। जो नुकसान हुआ है उसके गरीबों के पैसे दें बेचारों को। जी बिल्कुल बिल्कुल, वही मैंने कहा ना कि नुकसान का इजाला भी करें। आप बस हमारे साथ दें, आवाज़ के साथ आवाज़ मिलाएं।